मेरे कैरेक्टर का नाम है अल्लाह रखा सिद्दीकी, जो एक मुसलमान है और एक मंदिर में नक्काशी का काम करता है। मुझे लगता है कि सिनेमा को थोड़ा सा सरोकारी होना चाहिए। मुझे मालूम है मैं हीरो नहीं हूँ, मैं रोज आईना देखता हूँ, मैं किसी गलत फहमी में नहीं हूँ। हेलो पीपल, दिस इज शौविक पालित और बहुत जल्द सिल्वर स्क्रीन पर एक फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है नक्काश। और नक्काश के राइटर और डायरेक्टर ज़ैगम इमान जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और साथ ही मौजूद हैं फिल्म के लीड एक्टर इनामुल हक जी। ज़ैगम साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपने फिल्म बनाई दोजक, राइट? उसके बाद बनाई अलिफ, राइट? तीसरी है नक्काश। नक्काश तीनों ही हिंदू मुस्लिम बेस्ड, करेक्ट? ऐसा क्या खास है इस टॉपिक में, मतलब और कोई दूसरा टॉपिक नहीं मिलता आपको दुनिया में, टॉपिक्स की कमी पड़ गई? हाँ नहीं, अब टॉपिक बदल जाएगा इसके बाद। हाँ मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप कई बार ना किसी चीज़ से निकल नहीं पाते। मुझे लगता है देखिए मेरी इंस्पिरेशन, मैं सिनेमा में जिसकी वजह से आया, जिनकी फिल्में देख के आया, सत्यजीत रे साहब की फिल्में देख के आया, तो मैं उनको गुरु मानता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि उनसे बड़ा फिल्म मेकर कोई है नहीं, बहुत ज़्यादा आगे मानता हूँ उनको। उन्होंने भी ट्रायलॉजी बनाई, अपू ट्रायलॉजी बनाई, तो एक बड़ा था कि पीछे पीछे फॉलो करो, करते रहो करते रहो। बनारस से अच्छी जगह भी है पूरे भारत में, हिंदुस्तान में बड़े खूबसूरत शहर मौजूद हैं, लेकिन इनको सिर्फ बनारस ही क्यों, हर बार अपनी हर फिल्म में बनारस ही क्यों चुनते हैं? नहीं तो मसला यही ना, आपने सबसे पहले मुझसे क्या कि अब हिंदू मुस्लिम फिल्में बनाते हैं, अब दिक्कत क्या फंस जाती है कि बनारस में कबीर पैदा हुए, बनारस में प्रेमचंद पैदा हुए, और बनारस की जो इंटरनल सोल है, जो उसकी आत्मा है ना, उस पर जब इस तरह के चेंजेस, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस के प्रभाव बड़े साफ दिखते हैं। मैं चूंकि वहाँ पैदा हुआ हूँ, एक अच्छा खासा अरसा मैंने गुजारा है, तो उसकी जो सोल है ना, वो ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि पैदा वहाँ पे हुए। हाँ एग्जैक्टली, तो वो बहुत आपको खींचती है, बताती है। तो मुझे लगता है आप अगर मंदिरों की बात करें और मंदिर में कहें कि कोई कारीगर काम करता है, और कारीगर तो काम करते ही करता है, वो मुस्लिम है, तो मुझे लगता है बनारस से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। अगली फिल्म भी तो बनारस में तो नहीं होगी? नहीं, अगली फिल्म नहीं होगी, पक्का वादा है मेरा। चलिए वादा कर रहे हैं हम। मैं वादा कर रहा हूँ। इनामुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये फिल्म सिलेक्ट करते समय जी क्या चीज़ आपने देखा, क्या सोच के ये सिलेक्ट किया? क्योंकि मैं खुद भी एक राइटर रहा हूँ और लिखता रहा हूँ, तो बहुत लंबे अरसे के बाद ये एक ऐसी स्क्रिप्ट आई जो मुझे लगा कि हाँ चलो रोज़गार आ गया। क्योंकि मैं, मतलब मेरे सारे यार दोस्त, मेरे घर वाले, जितने भी सब लोग बोलते हैं यार कितना काम मना करेगा, कितनी किसी को तो हाँ कर दे, कितना खाली बैठेगा, लेकिन जब तक मेरे दिल से आवाज़ नहीं आती मैं हाँ नहीं कहता। वो ये फिल्म का धांसू सा कोई डायलॉग आप बोलना चाहेंगे अपने कैरेक्टर में से? धांसू सा डायलॉग आजकल बहुत ही ट्रेलर में भी काफ़ी चर्चा में हो रहा है कि बच्चा अपने पापा से पूछता है कि भगवान कौन है, तो एक बच्चा अपने बाप को क्या जवाब देगा भगवान कौन है? मुसलमान से अगर उसका बच्चा पूछेगा तो वही जवाब देता है कि अल्लाह मियाँ के भाई। तो इसमें कोई नई बात नहीं कही उसने, लोग उस पर भी कह रहे अरे ऐसे कैसे हो सकता है। क्या हिंदू मुस्लिम में भेदभाव होता है हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में? सर हमेशा से समाज में, दुनिया में, घर में अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती है, लेकिन जब कुछ ऐसी छोटी बुराई एक बहुत बड़ी अच्छाई के ऊपर हावी हो जाए तो फिर चिंता का विषय रहता है। तो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जो चिंता का विषय है, जो नहीं होनी चाहिए। कई बार मुझे लगता है, ऑनेस्ट वे में भी कहना चाहूँगा बिना पॉलिटिकली करेक्ट हुए, कुछ घटनाओं को वाकई में ज़्यादा तुल दिया जाता है, कुछ बुरी बातों को ज़्यादा तुल दिया जाता है। तो एक तरह की चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं ज़बरदस्ती जो अफवाहें फैला रहे हैं, कई तरह की अच्छी बातों को बुरी तरह से पेश कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा हिंदुस्तान 5 साल 10 साल 25 साल में जज नहीं हो सकता। ये हजारों साल पुरानी सभ्यता है और बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। अब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा नॉन पॉलिटिकल सवाल आप दोनों से ही, क्या मुस्लिम होने की वजह से आप लोगों को कभी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई भेदभाव का सामना करना पड़ा है? क्या मेरे घर में आग लगेगी तभी मैं बाल्टी लेके बुझाने जाऊँगा? देखिए मैटर नहीं करता कि मेरे साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, मैटर ये करता है कि किसी के साथ होता है, किसी के साथ। मैं अगर कहूँ कि मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं बहुत सारी उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ना जिनके साथ गलत हुआ है। तो आग को फैलाना नहीं है, आग को बुझाना है, तो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सिनेमा भी उसी तरह का है, हमारी सोच भी उसी तरह की है। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, नहीं नहीं चाय मत पी लो, नक्काश देख लो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी जी।